Hi everyone, how are you all? I hope you all are enjoying our classes. In the previous sessions, I have taught you tenses in the series of how to learn English. In that, we have completed present group. उसमें हम लोगों ने present group complete कर लिया था और उसके अंदर present simple का क्या actually में कार्य है वो जानने की कोशिश की और हमें ये पता लगा कि रूटीन वर्क उसके अंदर हमें लिखने के लिए या बोलने के लिए उस स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसके अंदर कोई भी कार्य कंटिन्यूटी में चल रहा है। इफ़ एनीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन कंटिन्यूएशन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई भी चीज़ लगातार चल रही है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में और उसका इम्पैक्ट अभी भी हम फील कर रहे हैं। एनीथिंग विच इज़ कंप्लीटेड एंड स्टिल वी हैव इम्पैक्ट ऑफ दैट, इफेक्ट ऑफ दैट इन प्रेजेंट, देन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फाइनली वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों ही कंटिन्यूअस हैं। एक में अगर हमें बिना टाइम का जस्ट प्रेजेंट का एक्शन ही दिखाना होता है तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है, और जब हमें कोई ड्यूरेशन दिखाना होता है टाइम का कि इतने देर से वो एक्शन चल रहा है या फिर किस बिंदु से वो शुरुआत हुई है तो ऐसे केसेस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ता है। टुडे वी आर इन पास्ट ग्रुप। जैसा हर एक टेंस ग्रुप में होता है, हर एक में चार टेंसेज होते हैं, तो पास्ट ग्रुप में भी चार टेंसेज हैं, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये जस्ट शिफ्ट है प्रेजेंट से पास्ट में, जब प्रेजेंट चीज़ें खत्म हो गई तो पास्ट में आ जाती है। तो आज मैंने प्लान किया है आपको पास्ट सिंपल बताने के लिए, और पास्ट सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए और किसी के लिए भी, क्योंकि वी कैन नरेट, वी कैन डिस्क्राइब, वी कैन राइट एनी इवेंट ऑफ द पास्ट, लेट इट बी एनी ओल्ड, कितना भी पुराना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसे पास्ट सिंपल में लिख सकते हैं। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है जहाँ तक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात है। जैसा मैंने पहले वाली क्लास में या पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH कैसे चेंज होगा, वो एक कंसेप्ट से मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए है, जिस अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव, कथनवाचक का जो सकारात्मक हिस्सा है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। तो आज पास सिंपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी आई रिटन ऑन बोर्ड टू सेव टाइम, सो लेट अस सी पास सिंपल। आई पुट द हेडिंग हियर, आई रिटन सम चेंजेस, मैंने यहाँ चेंजेस ऐसे लिख के रखा है, वो चेंजेस प्रेजेंट सिंपल से पास सिंपल, मतलब यहाँ पे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा प्रेजेंट सिंपल का। जैसा कि आपको याद ही होगा कि रूटीन वर्क के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल की आवश्यकता होती है और उसके लिए दो फॉर्म बन जाती है, एक ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि सिर्फ वर्क का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वापस मैं रिमाइंड कराता हूँ यहाँ पे आई वी यू दे, ये प्रोनाउन केस है, और नाउन अगर प्लूरल केस में बन रहा है देन वी हैव टू यूज़ ओनली वर्क फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अगर हमारे पास प्रोनाउन केस ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर का केस बन रहा है देन वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म SES। ये हम लोगों ने जानकारी पहले प्राप्त कर ली थी। इसको शिफ्ट करना है पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज करना है, मीन्स किसी भी क्रिया के जो तीन रूप जो जनरली हम लोग याद रखते हैं, ING फॉर्म तो सिर्फ जोड़ना ही होता है फर्स्ट फॉर्म में, जो सेकेंड पार्ट है इसका वो पास्ट फॉर्म बोली जाती है, बेस के बाद में पास्ट फॉर्म, वो पास्ट फॉर्म यूज़ करना है, मतलब सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, जो बहुत ही जनरल टर्म में हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं। अब जरा यूजेस के बारे में बात कर लें पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का यूजेस ये है, टू शो और डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए पास्ट इवेंट, पास्ट की कोई भी घटना हो आप उसको पास्ट सिंपल से बोल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी इवेंट है लिखना है, पढ़ना है, और जो कुछ लिखा हुआ अगर आप पढ़ रहे हो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल का है। अब जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो लोग एकेडमिक्स में हैं अभी भी और उनको आगे एग्जामिनेशन भी देना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा वर्ब के लिए कि एक पर्टिकुलर वर्ब भरना है,
तो उसके लिए हमारे पास में इंडिकेटर्स हैं जिसको एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा और मैं अगर लिख दूं तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्योंकि कई तरह के एडवर्ब होते हैं, तो ये समय सूचक क्रिया विशेषण है जिसको हिंदी में बोलते हैं। यस्टरडे, बीत गया कल, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, एनीथिंग ऑफ द लास्ट। अब अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला बना दूँ तो और थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट प्लस टाइम, उस टाइम में आपका डेज भी हो सकता है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, मतलब एनीथिंग। तो वो इस प्रकार से आप याद से लास्ट प्लस टाइम का मतलब इसके अंदर कुछ भी जुड़ सकता है, डेज, फेस्टिवल, मंथ। तो अगर मैं एक लिख के बताता हूँ आपको, अगर मैं लिखता हूँ लास्ट संडे, तो वो भी घटना पास्ट की हो गई। लास्ट दिवाली अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो भी वो पास्ट की घटना होगी। इसका मतलब पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा उसमें। तो इसलिए मैंने कुछ लिख के रखा था और कुछ आपके सामने मैंने लिख के बताया। आपको इतना ही फॉर्मूला याद रखना, लास्ट प्लस टाइम, कोई भी टाइम लास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, आपका पास्ट सिंपल हो गया। अब दूसरी एक चीज़ और देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 2020 लिख के रखा है। 2020 इज प्रेजेंट ईयर 2020 से पहले जितने भी साल गुजर गए, कितने सौ भी साल गुजर गए, दैट रिमेन्स पास्ट इवेंट। और पास्ट इवेंट का मतलब है पास्ट सिंपल। और अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर ये रहा आपके, सब्जेक्ट एज यूजुअल, अगर अंग्रेजी में किसी भी बारे में बात करना है तो उसके लिए जो लिखते हैं वो सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म, दैट्स इट। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो जोड़ देंगे। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव का। मैंने कुछ ट्रांसफॉर्म करके रखा हुआ है पहले से ही, और कुछ मैं अभी कंपेयर करके फिल इन द ब्लैंक्स आपको एकदम लाइव बताने वाला हूँ। ये मैंने लिखा हुआ ही गोज टेम्पल, इसके आगे एवरीडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जाता है मंदिर। लेकिन अब मुझे ऐसा बोलना कि वो मंदिर गया, तो गया मतलब क्रिया खत्म हो गई, और उसके लिए मैंने गो का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लिया, वेंट, यू कैन सी हियर। फिर मैंने लिखा है अपने लिए, सपोज आई गो स्कूल, और यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म मैंने वापस यूज़ कर लिया, वेंट, आई वेंट स्कूल। वी प्ले क्रिकेट, रोज हो सकता है, ऑन संडेज हो सकता है, लेकिन अभी इसको सिर्फ चेंज करना है पास्ट सिंपल में। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, हमने क्रिकेट खेला। तो पास्ट सिंपल में हिंदी क्या बन के आती है, थोड़ा हम लोग हिंदी स्पोकन है, जनरली वी स्पीक हिंदी ओनली ऑल अराउंड अस, तो थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेटिव रहता है कि ये घटना अगर ऐसे हिंदी में हम सोच रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे। तो आप जनरली देखोगे तो लास्ट में इसके ऐसा या ये एंड अप होता है वर्ब का, और कई बार साउंड्स भी ऐसा आ सकता है आपका आ ई टाइप ऑफ साउंड विद द वर्ब। जैसे मैं बोल के बताता हूँ, वह आया, वह हंसा, अब स का एंड अप है, लेकिन वो स आ हसा आ का एंड अप है, वो गई एटसेट्रा। तो साउंड है या ये जनरली, और उसके बाद में अगर ये साउंड और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आ या ई की साउंड भी मिल जाता है। तो ऐसे जो भी वाक्य, वो आया, वो गया, वो पास हो गया, वो फेल हो गया, उसने बहुत पैसे कमा लिए, भारत आज़ाद हो गया 1947 में, भारत गणतंत्र बन गया 1950 में, ऐसा अगर जो भी वाक्य हिंदी में आपके दिमाग में आ रहा है वो सबकी ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल में होगा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ एकेडमिक्स के रिलेटेड जैसे ब्लैंक्स आते हैं, तो अभी थोड़ा अपने पास टेंसेस हो गए हैं 4+1=5, तो कुछ डिफ्रेंशिएट मैं करके बताता हूँ 2-3 का, तो आपको थोड़ा नॉलेज और बढ़ता चला जाएगा। सो लेट अस सी। तो चीज़ें आसान हैं, पर आज भी मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा आपको, प्लीज़ बिल्ड अप योर वोकेबुलरी पावर। जितना ज़्यादा आपके वोकैब पावर बढ़ेगी उतना ही आपको आसान होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी के स्ट्रक्चर कभी भी टफ नहीं थे और कभी टफ नहीं होंगे, ये रूल्स जो बन गए हैं एक बार ही है। अब मान लो कि मुझे अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भरना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं 10th CBSE, RBSE, 11th में भी, 12th में ऑफकोर्स ग्रामर पोर्शन नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो ग्रामर है ही, वहाँ पे भी एरर एडिटिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लो कि मेरे पास में तीन में बना रहा हूँ एक ही वर्ब से,
एक तो ये ले लिया मैंने, फिर मैंने ये गोई ले लिया, अब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। डेली अगर आपने देख लिया, तो डेली आपने अगर देख लिया देन इट रिलेट्स टू प्रेजेंट सिंपल, सो यू हैव टू गो विद द प्रेजेंट सिंपल रूल। ओके, नाउ सपोज यू हैव नाउ, इट रिलेट्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड सपोज यू हैव ए लिटिल अगो, अगो मीन्स एनीथिंग ऑफ द पास्ट। So now you have in mind that we have to fill up here present simple, so it will be he goes. Now it's showing present continuous, so according to present continuous rule he is going. And now here ago is there, that is the past relation, so it will come he went. So we have to keep changing likewise. So each tense has its own value, each tense has its own purpose. You have to understand only purpose means uses, and with that you have to understand the structure. Finally comes again with the verb and vocab. If you have good power of verb and vocab, by using these structures you can write, you can speak, you can understand anything. I hope past simple would be so much clear to you. So that's it for the day. Thank you for watching. If you like our classes, please subscribe our channel. Press the like button. Thank you. Thank you once again.